थैंक यू। और अभी मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और बहुत मैसेजेस और क्लब के मैनेजमेंट ने बहुत अच्छे से वेलकम किया है और थैंक यू सो मच। एफसी गोवा का फुटबॉल स्टाइल बहुत ही अच्छा है और एवरी ईयर सेमीफाइनल या फाइनल में पहुँचता है और ट्रॉफी के लिए कम्पीट करता है। मीन्स एवरी टीम कम्पीट करता है, लेकिन एफसी गोवा में वो इगर मुझे दिखता है कि सेमीफाइनल फाइनल या ट्रॉफी चाहिए टीम को। और उनका गेम स्टाइल और जैसे कि बॉल पोजीशन मुझे अच्छा लगा, तो पहले से भी मुझे ये था कि अगर मुझे एफसी गोवा में चांस मिलेगा तो मैं ऑब्वियसली साइन करूँगा। मेरे लिए और टीम के लिए बहुत ईगर है, क्योंकि अभी तक एफसी गोवा मीन चैम्पियन नहीं हुआ है मीन ISL का। तो सब लोग ये चाहते हैं कि इस सीजन हम लोग ट्रॉफी ले और टीम चैम्पियन हो, चैम्पियन होए, और फैंस के लिए और क्लब के लिए सबके लिए एक ये टारगेट है कि हम लोग इस बार जीतना है ISL। तो मेरे लिए भी एक होप है, क्योंकि मैं अभी जस्ट अभी यहाँ पे अभी साइन किया है और मुझे भी यही ईगर है कि सेमीफाइनल और फाइनल तक और टाइटल लेना है। ये मेरी टारगेट है और टीम के लिए भी। एफसी गोवा टीम में मीन्स अभी काफ़ी सारे नेशनल टीम का प्लेयर है, और जैसे कि सबको पता है, सब टीम्स को, सब फैंस को, मीन्स क्योंकि एफसी गोवा एक अच्छे से फुटबॉल खेलता है, उनका प्लेइंग स्टाइल बहुत ही बढ़िया है, मीन्स पासिंग। और क्योंकि यही मेरा चॉइस था कि एफसी गोवा एक अच्छा फुटबॉल खेलता है और मैं भी एक अच्छा फुटबॉल खेलना चाहता हूँ इनके अंदर, उनके साथ, उनके कोचेस के साथ और प्लेयर्स। ओबियसली नेशनल टीम प्लेयर्स है तो कॉप अप करने में बहुत ईजी रहता है, मीन्स हम लोग नेशनल टीम में मिलता है। तो यहाँ पे भी अगर एक टीम में मीन एवरी मीन सिंगल हम लोग रूम रूम शेयर कर रहे हैं, हम लोग और ग्राउंड पिचेस पिच पे शेयर कर रहे हैं, तो मेरे लिए भी अच्छा है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और मेरे लिए एक बोनस पॉइंट है, क्योंकि एफसी गोवा में ज्वाइन करना और आई लीग ऑब्वियसली ISL के लिए कम्पीट करना, इवन अभी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि AFC फर्स्ट जो इंडियन टीम है जो चैंपियनशिप में खेलने वाला है AFC में, तो मेरे लिए एक बोनस पॉइंट है। तो उसके लिए भी मैं फुल प्रिपेयर हूँ और उसके लिए बहुत ज़्यादा ईगर हूँ। ये सीज़न के लिए मेरे पर्सनल टारगेट है, क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस मिले और गेम टाइम मिले, क्योंकि आफ्टर माई इंजर के बाद मुझे मीन्स रेगुलर जो मैचेस नहीं मिला है। तो आई होप मैं यहाँ पे मैचेस ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा मिलने के लिए कोशिश करूँगा और मैचेस रेगुलरली खेलने के लिए, वो मेरा फर्स्ट टारगेट है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उन बहुत सारे मैसेजेस और इंस्टा पे व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस किया है, और उस और क्लब ने भी अच्छा वेलकम किया है। तो मीन्स बहुत मैं ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि इंडिया में फुटबॉल गोवा में बहुत अच्छे से जानते हैं कि फुटबॉल उनको पैशन बहुत ज़्यादा है गोवा में। और मीन्स काफ़ी साल से मीन्स फुटबॉल को अभी भी ऐसे आने के बाद भी और भी ज़्यादा फुटबॉल का क्रेज़ बढ़ गया है मीन्स गोवा पे। तो मैं थैंकफुल हूँ कि एफसी गोवा फैंस के सामने मैं मैचेस खेलूँगा, और सबको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, और फोर्सा गोवा।